ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ से है। मामला बोधघाट थाना का है, जो लगभग 2 महीने पहले संतोषी वार्ड की रहने वाली अंजलि साधु और शीतल साधु के साथ मारपीट हुई थी। अंजलि साधु की पुत्री शीतल साधु, जो शाम के समय अपने आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसी समय फूलचंद सारथी पिता अमीर चंद सारथी अंजलि साधु के घर के सामने नशे में धुत गाली गलौज करते अंजलि साधु के आंगन में घुस आए और बदसलूकी करने लगे। अंजलि साधु की पुत्री शीतल साधु ने फूलचंद सारथी को ऐसा करने से मना किया, पर फूलचंद सारथी नहीं माना और अंजलि साधु के घर में गुंडागर्दी करना चालू रखी। साथ ही साथ फूलचंद सारथी ने अंजलि साधु और शीतल साधु को घर में अकेला पाकर डंडे से मारना पीटना चालू कर दिया। फूलचंद सारथी की मार से दोनों घायल हो गए। अंजलि साधु और शीतल साधु दोनों का सर फट गया। मौके पर पहुंची पुलिस और अस्पताल में एडमिट करा दिया। 2 महीने से परेशान होकर एवं थाने का चक्कर काटकर प्रार्थी अंजलि साधु परेशान हो चुकी थी। तभी अंजलि साधु ने कुछ मीडिया वाले के सहारे उच्च अधिकारी जगदलपुर CSP हेमसागर सिद्धार्थ के पास अपनी शिकायत को दर्ज कराया। जगदलपुर CSP हेमसागर सिद्धार्थ से मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी फूलचंद सारथी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या इधर गाली गलौज चिल्ला रहे थे और मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो बोली यहाँ गाली गलौज मत करो, मत चिल्लाओ, गाली उली मत दो, तो लड़की को आके डंडा मार दिया। तो मैं उठाने गई तो मेरे को भी सिर में डंडा मार दिया। अच्छा, इसका FIR कराए थे आप लोग संबंधित थाना में? कराए थे। तो क्या हुआ फिर? वहाँ रोज आ रहे हैं, बोलते हैं कि आज होगा, कल होगा, चिंता मत करो, हो जाएगा, बस यही बात बोल रहे हैं। लगभग कितने दिन हो गया FIR किए? 2-2.5 महीना हो गया। उस समय से लेके अब तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं, एक दिन भी पुलिस नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने बार गए वहाँ पे थाना? वहाँ पे गए 8-10 बार। 8-10 बार गए? गए। अच्छा, आप लोग को कहाँ पे चोट लगा है? सिर में चोट लगा है। सिर में मेरे को पूरा 15 टाका आया। और आपकी लड़की को भी मारे? हाँ, लड़की को भी 7 टाका आया है। जगदलपुर CSP हेमसागर सिद्धार्थ ने अपने साफ शब्दों में कहा है कि प्रार्थी की एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद आरोपी के खिलाफ और भी कुछ धाराएं जुड़ सकती हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर छत्तीसगढ़ से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। और इस संबंध में पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध दर्ज किया गया है। धारा 294/6, 323, धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और चूँकि प्राथमिकी तौर पर जो है इसमें जो पीड़िता है, जो आता है अंजलि, उनका मुलाहजा कराया गया है और मुलाहजा पश्चात एक्सरे का सलाह दिया गया था, एक्सरे वगैरह करा लिया गया है। अभी इस मामले पर जो है जो मेडिकल जो रिपोर्ट है, मुलाहजा रिपोर्ट, वो अभी अप्राप्त है और इसमें जो है शीघ्र ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। सर, आरोपी को जो है तो लगभग 2 महीने से सर इस तरह छोड़ देना, ये क्या हुआ है सर इसमें, जो उसको गिरफ्तार अब तक नहीं कर पाए हैं सर? देखिए, किसी भी मामले में किसी भी आरोपी को जो है पुलिस की ओर से जो है छोड़ा नहीं जाता, नहीं रियायत दिया जाता है। जो वैधानिक कार्यवाही है नियमानुसार जो है की जाती है। क्योंकि जैसा कि अभी इस मामले पर जो है मेडिकल रिपोर्ट अप्राप्त है, मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरह की चोट का उल्लेख आएगा, संबंधित धाराएं जो है यदि और लगनी होंगी तो उन धाराओं के आधार पर जो है इसमें आगे की कार्यवाही जो है की जाती है।